ईद उल फितर का त्यौहार आज अहमदिया भाईचारे द्वारा अपने इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कादिया में पूरे उत्साह से मनाया गया। ईद की नमाज अक्सा मस्जिद में अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों और महिलाओं ने शिरकत की। इस मौके पर खास तौर पर विदेशों से भी अहमदिया मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने यहाँ पहुंचकर ईद उल फितर की नमाज अदा की। वहीं ईद की खुशी शामिल होने और ईद की मुबारकबाद देने पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और कादियान के एमएलए ए फतेह जंग सिंह बाजवा अहमदिया जमात के हेडक्वार्टर पहुंचे। सुबह पंजाब के तमाम वासियों को और इसी तरह मुल्क भर के देशवासियों को हमारी तरफ से ईद मुबारक का पैगाम है। दूसरा ये कि इस्लाम में दो ईदें मनाई जाती हैं, एक ये जो छोटी ईद कहलाती है ईद उल फितर, ये एक महीने के मुसलसल रोज़ों के बाद आती है, और दूसरी ईद जो है ईद उल अज़िया कहलाई जाती है, जो कि हज के बाद जो खाना काबा में अरब में मक्का में हज होता है उसके बाद होती है। तो दोनों ईदें कुर्बानियों से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये जो रोज़ों की ईद है ख़ास तौर पर, इसमें ये मैसेज है, ये पैगाम है कि एक तो थोड़े वक्त के लिए खुदा की तरह बनने की कोशिश करो, जिस तरह खुदा खाने पीने से बेनियाज है, उसको खाने की ज़रूरत नहीं, पीने की ज़रूरत नहीं, बीवी बच्चों की ज़रूरत नहीं, इसी तरह थोड़े वक्त के लिए खुदा की तरह बनने की कोशिश करो खुदा, ताकि खुदा का प्यार हासिल हो। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सूरज डूबने के बाद भी उनका रोज़ा नहीं खुलता, उनके लिए खाने के लिए खाना नहीं है, दो दो चार चार दिन हो जाते हैं। तो ऐसे गरीबों के लिए, भूखों के लिए, दिल में दर्द पैदा करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए इंसान के अंदर जो है वो पैदा होती है कि कितनी दुखी इंसानियत है जिनको नाने शबीना रात का खाना भी मुयसर नहीं है। तो ऐसे लोगों का खिदमत का जज्बा जो है वो पैदा होता है। इस्लाम विच दो ईदा मनाई जाने ने, और एक ईद जी ईद उल अजहा उन्होंने वड्डी ईद आख्या जाता है, ये ईद इन ईद उल फितर किया जाता है, और इनू आम तौर पर लोग निकी ईद भी कहते हैं। ये ईद रमज़ान शरीफ के महीने तो बाद मनाई जाती है। असल दे विच ईद की खुशी, ईद का मतलब है कि वह खुशी जी बार बार इंसानी जिंदगी आवे, और ये खुशी का दिन इस वास्ते मनाया जाता है कि इंसान एक महीना रमज़ान के सख्त घालना करता है, तपस्या करता है, रोज़े रखता है, और नमाज़ा पढ़ता है, होर इबादत करता है, और अपने मालिक नूं राज़ी करन दी, खुश करन दी कोशिश करता है। और असल च एक महीने की प्रैक्टिस है कि रोज़े वास्ते जरूरी है, रोज़ेदार वास्ते कि रोज़ा रख के हर किस्म की बुराई तो बचे। अज ईद के इस शुभ दिहाड़े पर कादियां निवासी अपने भरावां नूं और दुनिया भर, देश भर और दुनिया भर के मुसलमान भाईचारे नूं लख लख मुबारकबाद दिंदा, और गुरु महाराज के चरणा च अरदास करते हैं भी जिहड़ा पैगाम जिहड़ी साडी जमात अहमदिया दिंदी है, हेटरेड फॉर नन लव फॉर ऑल, ये सारी दुनिया च यह संदेश जाना चाहिए, सारे नूं भरावां वांगू मिलजुल के रहना चाहिए। अज ईद फितर दे मौके पर मैं सारे देशवासियों को बधाई देना, सारे पंजाबियों को बधाई देना, तो आस करना कि इस दिन का जिहड़ा संदेश है भी सारे मुल्क वासी इकट्ठे भरावां वांगू रहिए, एक गुलदस्ता बन के इस मुल्क च रहिए, तो मुल्क की तरक्की सारे आप अपना हिस्सा पाइए। सो सारे पंजाबियों, सारे देशवासियों, सारे कादियां शहर के वासियों ईद की बहुत बहुत बधाई।